जय माता की। दोस्तों, आज हम माता की चौकी सजाने वाले हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, नवरात्रे में हमें माता की चौकी सजानी होती है, तो उसी को आज हम सरल तरीके से कैसे घर में लगा सकते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले लेंगे हम चौकी। चौकी पर कोई भी लाल कपड़ा आप बिछा सकते हैं। आप चाहें तो उसको थोड़ा सा डेकोर करने के लिए गोटा वगैरह लगा सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको फूल पत्तों से और सजा देते हैं। और ये देखिए, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है, आप नहीं, इतना टाइम नहीं है आपके पास, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। सिर्फ आप लाल कपड़ा बिछा करके माता के फ़ोटो और श्री गणेश जी की फ़ोटो रख करके व्रत की तैयारी कर सकते हैं। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कुष्मांडा और स्कंद माता कात्यायनी कालरात्रि महागौरी और सिद्धिदात्री, ये माता जी के 9 नाम हैं। इनका जरूर से स्मरण करें हो सके तो। और इन सबका भोग भी अलग अलग होता है। सर्वप्रथम आप जब भी पूजा करें तो इसे गाय का घी से जरूर से भोग लगाएं माता को। और ये देखिए, सर्वप्रथम हमें जब चौकी सजाएंगे तो सबसे पहले गणेश जी की स्थापना करेंगे। ये जो गणेश जी हैं, ये मिट्टी से बने हुए होते हैं, जो पंडित के द्वारा बनाए जाते हैं, वो मैंने यहाँ पे स्थापित किए हैं। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप वो रख सकते हैं। और उसके बाद आप देवी मैया की मूर्ति रखेंगे यहाँ पर, या फिर आप कोई भी आपकी जो कुल देवी है उसके अगर नाम के व्रत करते हैं तो उनकी फ़ोटो यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद नारियल को इस प्रकार से चुनरी में लपेट करके रखेंगे, जो कि कलश स्थापना के समय हमें चाहिएगा, उसका एक अलग प्रोसेस होगा। तो ये देखिए, हमारी ये तैयारी हो चुकी है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये देखिए, थोड़ा सा चावल की ढेरी बनाएंगे और उसके बाद ये जो कलश होता है छोटे वाला, जो मंदिर में रखा रहता है, उसे हम लेंगे और यहाँ पे इस पर साथी का निशान बनाएंगे और तिलक लगाएंगे। और इसे जो चावल की ढेरी बनाई है, इसके ऊपर इसको रख देंगे और इसके ऊपर हम पूर्ण पात्र रखेंगे, जो कि पूर्ण पात्र अगर बोले तो भरा हुआ पात्र, यानी कि उसे हम एक कटोरी में चावल भर लिए हैं और उसके ऊपर हमने रुपए रख दिए हैं। ये ज़रूर से याद करके करें। इसका मतलब होता है कि घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे, तो इसके लिए ये पूर्ण पात्र ज़रूर रखें। और उसके बाद गाय के घी का दीपक रख दिया है हमने, और ये माता के चरण पादुका हमने यहाँ पर रख लिया। ये अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ माता के चरणों का ध्यान करते हुए आप धोख खा सकते हैं और जो भी गलती के लिए क्षमा मांग सकते हैं। और ये देखिए, उसके बाद आता है नारियल और मिश्री, और ये इलायची और लौंग, ये हमेशा हमें माता जी के साथ में चाहिए होंगे जब भी हम पूजा करेंगे सुबह शाम की। 2 लौंग और 2 इलायची हमें डेली जब भी हवन करेंगे या जो भी थोड़ा बहुत आप करते हैं कपूर से करते होंगे तो उसमें ये ज़रूर से अर्पित करें। ये ध्यान रखिए, लौंग जो है वो ऊपर से पूरी हो, टूटी हुई ना हो जो हम अर्पण करेंगे वो। तो ये देखिए, इस टाइप की लौंग और 2 इलायची, यानी कि हमें जोड़े से इसको चढ़ाना होता है। और अगर भोग की बात करें तो पहले दिन माता को आप गाय के घी का भोग जरूर से लगाएं, और जो भी आपकी इच्छा हो उसके अनुसार आप जो श्रृंगार की सामग्री है वो भी रख सकते हैं। उसके बाद में आपको कन्याओं को जो देना है वो आप 9वें दिन दे सकते हैं, जो भी लड़कियों को जिमाएंगे उसमें भी अगर आपके पास 9 हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। बाकी अगर 9 ना मिले तो 5-7 जितने भी बने उनको आप बुला करके भोजन करा सकते हैं। और भोजन में ध्यान रखें, 9वें दिन जो हम जिमाते हैं तो उसमें हमें माता को भोग लगाना होता है, चना पूरी और हलवा, ये ज़रूर से बनाएं। बाकी आपकी मर्जी, आप कुछ भी बना सकते हैं। और इसमें सब ये काम करने के बाद में हमने थोड़ा सा गंगा जल इस पर छिड़क दिया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हमारे जो भी ये सामग्री है ये पूरी शुद्ध हो जाए, माता को चढ़ाने के लायक हो जाए। उसके बाद थोड़ा सा हम नाल का टुकड़ा तोड़ेंगे और पहले गणेश जी को और फिर माता जी को वस्त्र के रूप में समर्पित करेंगे। उसके बाद में हम पुष्प समर्पित करेंगे। जो भी कुछ भी हम करेंगे तो पहले ये ध्यान रखें, पहले गणेश जी को चढ़ेगा फिर माता जी का चढ़ाएंगे हम। तो ये देखिए, हमने फूल यहाँ पे चढ़ा दिए हैं। और दूसरे दिन के अगर भोग की बात करें तो शक्कर का भोग लगता है, और तीसरे दिन दूध या दूध से बनी कोई भी मिठाई आप चढ़ा सकते हैं। चौथे दिन आप मालपुआ चढ़ा सकते हैं, 5वें दिन केले का भोग लगाएं, 6ठे दिन शहद का भोग लगाएं, और 7वें दिन आप गुड़ का भोग लगाएं, और महागौरी यानी 8वें दिन आप नारियल का भोग लगाएं, और 9वें के दिन चने व हलवा व पूड़ी जरूर से चढ़ाएं। बट ये ध्यान रखें, जो भी कुछ बनाएं उसमें लहसुन प्याज का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। इसके अलावा आप खीर वगैरह भी बना सकते हैं। और ये देखिए, ये जो शहद है ये हमेशा हमें माता के भोग के लिए तैयार रखना है, ये भी हम डेली लगा सकते हैं। और इस प्रकार से हम शहद का भोग भी हम डेली लगा सकते हैं। और ये देखिए, हम रात के समय पर्दे को इस प्रकार से बंद कर दें और सुबह के समय इस प्रकार से हम खोल सकते हैं। सुबह के चढ़ाए हुए फूल जरूर से रात को उतार दें। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि माता रानी आपकी सारी इच्छाएँ पूरी करें। और ये देखिए, अगर हो सके तो गणेश जी को अगर दो पॉसिबल हो तो ज़रूर से चढ़ा दें। जब भी कोई भी पूजा पाठ करें, गणेश जी को ये बहुत ही प्यारी होती है, इसलिए आप
ये ज़रूर से चढ़ाएं। और अगर हम बात करें कि हमें कौन सा कलर पहनना चाहिए तो उसे भी मैं बता दूं, ज़्यादातर हमें लाल और गुलाबी कलर के कपड़े पहनने चाहिए। पहले दिन तो स्पेशल हमें लाल ही पहनना चाहिए और बाद में सब अलग अलग दिन के अलग अलग कपड़े होते हैं वो हम पहन सकते हैं। दूसरे दिन हमें कोई भी लाइट कलर के सफ़ेद या क्रीम कलर के पहनने चाहिए। तीसरा दिन पीला या फिर लाल ले सकते हैं। और जो चौथा दिन होता है उस दिन हमें भूरे रंग के या फिर थोड़े ब्लू ग्रे टाइप के पहनने चाहिए। अगले दिन हमें क्रीम कलर के या फिर वही लाइट कलर येलो कलर के पहनने चाहिए। उससे अगले दिन हमें दोबारा से फिर लाल पहनना चाहिए या फिर गुलाबी जो कात्यायनी को कलर पसंद होता है। और काल रात्रि की अगर बात करें तो नीला या फिर आसमानी भूरे रंग का आप कपड़े पहने, जो कि सातवां दिन होता है। और महागौरी का जो होता है वो तो सफ़ेद होता ही है, तो उस दिन भी हमें लाइट कलर ही चुनना चाहिए। और नारियल का भोग उन्हें हमें जरूर से अर्पण कर देना चाहिए। और सिद्धिदात्री जो होती है नवमी का दिन, उस दिन आप ज़रूर से लाल कपड़े पहन सकते हैं। और वैसे मना नहीं है, आप कोई भी कलर के कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन अगर इस हिसाब से अगर पहनते हैं तो वो और भी अच्छा माना जाता है। इसी प्रकार आप फूल पहले दिन सफ़ेद कलर का चढ़ा सकते हैं, दूसरे दिन आप लाल या पीला चढ़ा सकते हैं, तीसरे दिन की बात करें तो आप कमल का फूल चढ़ा सकते हैं, और चौथे दिन आप चमेली का फूल चढ़ा सकते हैं, और पाँचवें दिन कोई भी पीले कलर का फूल आप चढ़ा सकते हैं, छठे दिन आप कोई भी पीला फूल चढ़ा सकते हैं, और सातवें दिन आप नीले रंग का कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं। और आठवें दिन की महागौरी की बात करें तो आप कोई भी सफ़ेद फूल इनको अर्पित कर सकते हैं, और सिद्धिदात्री को आप जो चाहें वो भी लाल गुलाबी कोई भी अर्पित कर सकते हैं। वैसे लाल फूल आप हर दिन यूज में ले सकते हैं। और ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने ले लिया अशोका के पत्ते, जो कि कलश में स्थापना के लिए चाहिए होंगे।